आउट है क्या? होमवर्क में डाउट है? होमवर्क किया है या नहीं किया? क्या बोल रहे हो? हेलो, होमवर्क किया है या नहीं? पूरा नहीं हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम तक कंप्लीट करो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराया था, नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे बफर सॉल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन जो है ये क्या होता है? देखो, तो देखो जनरली अगर हम लाइक किसी सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, एकदम से पीएच ड्रॉप हो जाएगा सॉल्यूशन का, है ना। और अगर हम सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो पीएच एकदम से बढ़ जाएगा, जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन बफर सॉल्यूशन जो है ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, मतलब अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो इस टाइप के सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है। ओके, तो बफर सॉल्यूशंस रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इनटू डैम। ठीक है, तो जब स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे इनमें तो ये जो पीएच चेंज है उसको क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, मतलब इनका पीएच चेंज नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं बहुत स्लाइटली डिफरेंट वैल्यू से, मतलब बहुत कम वैल्यू से चेंज होगा, पीएच चेंज होगा। तो फॉर एग्जाम्पल पीएच ऑफ ब्लड रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यू टू बफर सॉल्यूशन, या ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। Due to formation of buffer solution. Of H2CO3 and HCO3 negative. ठीक है, तो H2CO3 और HCO3 negative हमारे पास available होता है buffer में, ठीक है, या ब्लड में। तो ब्लड में ये वाला बफर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसके वजह से ब्लड का जो पीएच है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो लिखो ये, फिर आगे और डिटेल में बताते हैं। Thank you.
ओके सो अब देखो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के बफर सॉल्यूशन होंगे. फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पर एसिडिक बफर. तो एसिडिक बफर जो है ये एक्चुअली मिक्सचर होता है वीक एसिड एंड उसके कॉन्जुगेट बेस का. हम बोल सकते हैं वीक एसिड का और उसका कोई सॉल्ट रहेगा उसी वीक एसिड का. तो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. एक तो वीक एसिड रहेगा और इस वीक एसिड के अलावा उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट होगा. जैसे CH3COH, ठीक है, ये हमारे पास कोई वीक एसिड हो गया एंड इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट जैसे CH3CONA हो गया. ठीक है, तो CH3CONA क्या इसी वीक एसिड का NaOH के साथ सॉल्ट है. तो ये दोनों अगर मिक्सचर में है या सॉल्यूशन में तो एसिडिक बफर है. सिमिलरली HCN एंड KCN या फिर HCOH एंड HCONA या फिर CH3COH एंड CH3CO होल ट्वाइस भी है. तो ये सभी जो है क्या है, वीक एसिड एंड उन्हीं वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट का मिक्सचर है. क्लियर है? तो अब देखो हमारे पास ये हम फर्स्ट वाला बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लेते हैं और पीएच देखते हैं कि कैसे निकालेंगे. तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें CH3COH का एंड CH3CONA का, तो CH3COH जो है वो कुछ इस टाइप से डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, एंड CH3CONA इस टाइप से डिसोसिएट हो रहा है. क्लियर है क्या? नाउ K ऑफ CH3COH क्या होगा? तो K ऑफ CH3COH इज CH3CO नेगेटिव इंटू एच पॉजिटिव डिवाइड बाय CH3COH कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हम यहां पर बोल सकते हैं एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K इंटू CH3COH concentration upon CH3CO negative concentration. ठीक है, ये आया. तो अगर हमें pH निकालना है तो pH is nothing but minus log of this. फिर हम इसको लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ CH3COH कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, नाउ ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया, माइनस लॉग के इज नथिंग बट pKa, so pH is equal to pKa plus, अभी माइनस को प्लस कर देते हैं और अंदर वाले पार्ट को उल्टा कर देते, तो प्लस लॉग ऑफ CH3CO नेगेटिव डिवाइड बाय CH3COH. तो ये हमारे पास pH का फॉर्मूला आ गया. ठीक है,
एक और फॉर्मूला आ सकता है, पहले लिखो ये। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं। यहां पर इस सी एस थ्री सीओ नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोल सकते हैं यार? और देखो सी एस थ्री सीओ नेगेटिव दोनों रिएक्शन से आ रहा है ना, फर्स्ट से भी आ रहा है सेकंड से भी आ रहा है। अब देखो वैसे ही वीक एसिड बहुत कम आयनाइज होता है ना, वीक एसिड का आयनाइजेशन काफी कम होता है ना, बट यहाँ पर वीक एसिड के साथ साथ एक सॉल्ट भी है और वो ऑब्वियसली फुली सोल्युबल सॉल्ट है, हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब ये देखो कॉमन आयन आ गया है, दोनों रिएक्शन में कॉमन आयन है या नहीं है? तो ड्यू टू दिस कॉमन आयन ये फर्स्ट रिएक्शन बैकवर्ड्स गया हो गया ना इन द प्रेजेंस ऑफ सी एस थ्री सी ओ एन ए, है कि नहीं? तो वीक एसिड वैसे ही बहुत कम आयनाइज होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सी एस थ्री सी ओ एन ए आयनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फर्स्ट रिएक्शन से जो सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव आ रहा है इसका अमाउंट बहुत कम है कि नहीं? Yes. तो जो भी सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव आ रहा है वो किससे आ रहा होगा? एक तरह से सेकेंड रिएक्शन से आ रहा होगा। एंड सेकेंड रिएक्शन से कितना सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव आएगा? ऑब्वियसली जितना सी एस थ्री सी ओ एन ए है, ठीक है? तो जो सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। ओके तो सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं।
तो CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, उसको हम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि CH3CO नेगेटिव जो है वो आ तो वैसे फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन दोनों से रहा है, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन से बहुत कम आ रहा है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो भी CH3CO नेगेटिव होगा सॉल्यूशन में वो ड्यू टू सेकेंड रिएक्शन ही होगा, और वो भी कितना होगा? जितना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, बिकॉज सेम स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा CH3COH कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ यार? CH3COH अब देखो फर्स्ट रिएक्शन से मिला था, है ना? CH3COH किससे है? फर्स्ट है। लेकिन अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो इक्विलिब्रियम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होगा? वो उतना ही होगा जितना इनिशियल वाला था। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत कम आयनाइज हुआ है ना, तो जो रिएक्ट हुआ उसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते ही नहीं कर सकते, है ना? तो जो भी सॉल्यूशन में CH3COH कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो इनिशियल वाला ही हम ले सकते हैं कि इनिशियली हमने कितना CH3COH लिया है, ये हम बोल सकते हैं कि हमने कितना एसिड लिया है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। इस इक्वेशन का नाम हेंडरसन इक्वेशन भी है। इस इक्वेशन का नाम क्या है? हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है, अच्छा नाउ सॉल्ट और एसिड कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है इसको हम मोल्स का रेशियो भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बफर सॉल्यूशन है उसमें तो वॉल्यूम जो है वो चाहे सॉल्ट हो या एसिड हो दोनों के लिए सेम ही वॉल्यूम है ना वो, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में सॉल्ट भी है और एक ही सॉल्यूशन उसी सॉल्यूशन में एसिड भी है, तो सॉल्ट और एसिड दोनों के लिए वॉल्यूम क्या लेंगे? सेम लेंगे। तो जब कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो हम देखेंगे तो उसमें वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो हम इसको नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन रेशियो जो है ये मोल्स रेशियो भी हो जाएगा। तो प्लस पीके ठीक है, तो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। क्लियर है सबको? जैसे मान लो हमारे पास ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमने मान लो यार ये सॉरी इस फर्स्ट वाले बफर सॉल्यूशन मान लो इसके हमने ए मोल्स लिए और इसके मान लो बी मोल्स लिए। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम क्या लिख सकते हैं यार? फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं? पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। कितना आएगा भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट कितना लिया है? बी लिया है। ठीक है, एंड एसिड का ए लिया है, तो बी बाय ए आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है भाई सबको ये? ठीक है, तो ये हमारे पास पीएच आ गया। अब देखो, अब बात करते हैं यार इस टाइप के जो सॉल्यूशन है ये बफर का काम क्यों कर रहे हैं। ओके, ये हमारे पास जो एसिडिक बफर हमने जो बताया है ये एक्चुअली बफर का काम क्यों करता है? बफर का काम मतलब कि पीएच चेंज क्यों नहीं करता है सॉल्यूशन का जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं। ठीक है, तो बफर एक्शन, तो देखो इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HBr, मतलब कुछ भी हो सकता है HNO3 वगैरह, तो उसको हम H पॉजिटिव लिख देते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, तो यार सॉल्यूशन में अगर हमने स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, अब देखो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है यार? अगर हम फर्स्ट वाला ही बफर सॉल्यूशन लें तो सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? ये वाला वीक एसिड प्रेजेंट है ना, इसके अलावा ये CH3CO नेगेटिव भी प्रेजेंट है जो कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रिएक्शन से आया है। तो ये किसका काम करेगा यार? ये एसिड का काम करेगा, और CH3CO नेगेटिव क्या है? इसका कॉन्जुगेट बेस है ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन में एसिड भी प्रेजेंट है और सॉल्यूशन में क्या है? बेस भी प्रेजेंट है। ओके, एसिड कौन है सॉल्यूशन में? CH3COH, और बेस कौन है? CH3CO नेगेटिव। क्लियर है क्या? तो जब हम
स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं, तो यार एसिड क्या करेगा, अगर सॉल्यूशन में कोई बेस प्रेजेंट है तो उसे रिएक्ट कर लेगा, है कि नहीं? तो सॉल्यूशन में कौन है बेस भाई? CH3CO-, ओके? तो हमारे पास सॉल्यूशन में जो CH3CO- है ना, उससे रिएक्ट कर लेगा एसिड, क्योंकि सॉल्यूशन में बेस क्या है? CH3CO-, और हम एसिड क्या डाल रहे हैं? HCl, HNO3 वगैरह कुछ, जिसको हम H पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आया CH3COH। तो यार इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कोई बता सकता है? इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है? अच्छा, रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? रिवर्स रिएक्शन का क्या है? CH3COH गिव CH3CO- प्लस H पॉजिटिव, क्या उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? K ना? Yes. तो इसका क्या हो गया, 1/K हुआ कि नहीं हुआ? Yes. अब देखो K तो बहुत छोटा होता है, 10^-5। 1/K क्या हो गया, काफी बड़ा हो गया ना? Yes. ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या है यार? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू काफी बड़ी आ रही है, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बहुत बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट होगी। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का बहुत बड़ा है तो रिएक्शन को क्या मानेंगे? कंप्लीट मानेंगे। दैट्स व्हाई हमने यहां पर भी सिंगल एरो डाला है, देखो। तो ये रिएक्शन एक तरह से कंप्लीट हो रही है। अब देखो, जब कंप्लीट हो रही है तो अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो खत्म हो जाएगा ना। जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है क्या इन दोनों में से? इन दोनों में कोई लिमिटिंग रिएजेंट है क्या? इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, हमने स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड किया है? स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है ना, तो वो लिमिटिंग हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है तो उसके नंबर ऑफ पोल्स बहुत कम है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो वो क्या होगा भाई? कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं वो तुरंत खत्म हो जाएगा, और अगर वो तुरंत खत्म हो गया तो ऑब्वियसली उसका पीएच पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाला वो तुरंत खत्म हो गया, तो पीएच हमारे पास चेंज हुआ ही नहीं। क्लियर है क्या? ठीक है, तो दैट इज पीएच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ओके, तो अगर हम स्मॉल अमाउंट में इस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट करेगा, अगर सॉल्यूशन में बेस प्रेजेंट है तो। और सॉल्यूशन में बेस कौन है यार? CH3CO-। ठीक है, तो CH3CO- से स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एच पॉजिटिव, ये कोई भी टाइप का स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, जैसे HCl, HBr कुछ भी है। ठीक है, HNO3। तो ये बेस है, ये एसिड है, रिएक्ट किया, ये बन गया। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है काफी बड़ा आ रहा है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होने का मीनिंग क्या है? रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो अगर कोई लिमिटिंग है तो खत्म होना ही है। ठीक है, क्योंकि जैसे लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हुआ रिएक्शन फिर स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? क्योंकि हमने स्मॉल अमाउंट में लिया या उसके बहुत कम मोल्स हमने ऐड किए थे। ठीक है, तो तुरंत वो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसका पीएच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो ये तो हमने तुम्हें बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने पर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, अभी स्ट्रॉन्ग बेस का भी बताते हैं। पहले लिखो ये, कौन सा पार्ट? बफर एक्शन।
बफर एक्शन का, बफर एक्शन मतलब क्या है कि बफर क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन जो है ये ऐसे सॉल्यूशन है जिनमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम ऐड करें तो इनका पीएच जो है वो चेंज नहीं होता है। अब पीएच चेंज क्यों नहीं होता, वही एक्चुअली है बफर एक्शन की, क्यों नहीं चेंज हो रहा वो हम बता रहे हैं। तो अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HNO3 वगैरह कुछ भी है ना, तो उसको जस्ट H पॉजिटिव हम ले लेते हैं, बिकॉज उसमें जो रिएक्ट करेगा वो H पॉजिटिव ही करेगा। तो एसिड मतलब H पॉजिटिव। इसके अलावा सॉल्यूशन में जो बेस है वो कौन है, CH3CO नेगेटिव, क्योंकि हम अगर एसिड ऐड कर रहे हैं तो एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बेस से। तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन में बेस क्या है। तो हमने ये जो सॉल्यूशन लिया, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन, इसमें ये दो है ना, तो ये जो है ये एसिड तो ऑलमोस्ट एज इट इज है, बट ये डिसोसिएट हो गया है ना, ये तो ज्यादा डिसोसिएट हुआ नहीं है, तो ये एसिड है। और जब ये डिसोसिएट हुआ तो इससे ये वाला आयन आया जो कि कौन सा है भाई, ये कॉन्जुगेट बेस है CH3CH का, मतलब ये बेस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन में दो मेनली सब्सटेंस है, एक है एसिड और दूसरा है बेस। ठीक है, ये बेस है। तो जब हम सॉल्यूशन में एसिड ऐड करेंगे तो किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, मतलब इससे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में बेस जो प्रेजेंट है उससे एसिड रिएक्ट कर लेगा। तो हमारे पास ये एसिड हो गया, सॉरी ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, एंड ये रिएक्ट किया तो फिर ये बन गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेस क्या करता है, एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है ना, तो वही किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गया। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, इसकी रिवर्स रिएक्शन का के होता है, तो इसका 1/k। अब के की वैल्यू जो है बहुत छोटी है, 10^-5 के अराउंड, तो 1/k जो है बहुत बड़ा हो गया, 10^+5 के अराउंड। तो 1/k या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इस रिएक्शन का बहुत बड़ा आ रहा है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होने का मीनिंग क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो रिएक्शन कंप्लीट होगी तो अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो खत्म हो जाएगा, और जैसे ही खत्म होगा रिएक्शन एक तरह से बंद हो गई। तो लिमिटिंग एजेंट कौन है, एच पॉजिटिव। क्यों है भाई एच पॉजिटिव एसिड, क्योंकि हमने बोला है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हम स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं, तो वही लिमिटिंग एजेंट होगा, तो वो खत्म हो जाएगा। तो जो भी हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं ना, तो तुरंत खत्म हो जाता है वो, इसलिए उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर वो सॉल्यूशन में बचा रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऑब्वियसली पीएच को क्या करता हो, डिक्रीज करता। क्लियर है क्या? Yes. ठीक है, तो एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ना, इसका मीनिंग क्या है, मतलब अगर तुम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा वो हो रहे हो, तो इसको ऐसे सोच सकते हो, हमारे पास जो सॉल्यूशन में CH3CONa था ना, उसका, और उसमें जब हम लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं, मान लो HCl हमने ऐड किया, तो हमारे पास रिएक्शन ये है, ये रिएक्शन है एक तरह से हमारे पास। ठीक है, बट उसका जो इफेक्टिव रिएक्शन है ना, वो यही वाला है, मतलब नीचे जो हमने लिखा, क्योंकि हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो ये दो आयन करेंगे, और हमारे पास इफेक्टिव रिएक्शन यही आएगी। समझ आया क्या? ठीक है, तो लिख लो ये, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? चले आगे ना, तो देखो ये हमारे पास था स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें तो क्या होगा? तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस is added, strong base मतलब OH negative है ना, NaOH KOH वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो इसको just हम OH negative लिख देते हैं। तो strong base अगर add करते हैं तो base किससे react करेगा यार? अगर solution में acid है तो उससे react कर लेगा। Now solution में acid क्या है? CH3COH है या नहीं है? ठीक है, तो solution में जो acid है वो है CH3COH, तो इससे हमारे पास जो base है वो react कर लेगा। तो रिएक्शन क्या होगी यार? तो CH3COH plus OH negative will give CH3CO negative plus H2O, ये रिएक्शन आ गई। ठीक है, अच्छा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है यार? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? अगर हम रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें तो देखो क्या रिवर्स रिएक्शन क्या है? रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोलिसिस वाली है जो कल कराई थी हमने, याद आया? CH3CO negative plus H2O gives CH3CH plus OH negative, याद आया क्या? ठीक है, तो रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोलिसिस वाली है, तो रिवर्स रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है KH, तो फॉरवर्ड वाले का क्या हो गया? 1/KH हो गया। एंड इसका जो KH है वो होता था KW/KA, इस रिएक्शन का जो KH होता था वो था KW/KA, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ गया के अपॉन के डब्ल्यू। अब देखो के जो है इसकी वैल्यू है 10^-5 के अराउंड, और ये है नीचे वाला 10^-14 के अराउंड, तो के अपॉन के डब्ल्यू जो है 10^+9 के अराउंड हो गया। तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की? ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत बड़ा आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कौन है भाई लिमिटिंग रिएजेंट? स्ट्रॉन्ग बेस है ना, क्योंकि वो हमने बहुत कम अमाउंट में ऐड किया। ठीक है, सो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि रिएक्ट्स कंप्लीटली। ठीक है,
ये पूरी तरह रिएक्ट कर जाएगा तो पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन में बचा रहता स्ट्रॉन्ग बेस तो ये पीएच को बढ़ा देता, लेकिन ये तो खत्म हो गया आते ही, है ना, तो वो पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। सो दैट इज पीएच रिमेन्स कॉन्स्टेंट, समझ आएगा यार सबको, ठीक है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जब एसिडिक बफर में हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो पीएच जो है चेंज क्यों नहीं होता है। ओके सो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। डिटरमाइन पीएच ऑफ Determine pH of a solution formed by mixing 100 ml of 0.2 molar CH3COH and 100 ml of 0.05 molar NaOH, ठीक है। तो पीएच निकालना इस सॉल्यूशन का, पीके तो पता ही है, पीके ऑफ CH3COH क्या होता है भाई, पीके ऑफ CH3COH होता है 4.74, ठीक है।
I answer. आंसर आया सबका? कराया क्या? तो देखो क्या ये बफर सॉल्यूशन है क्या यार? ये जो क्वेश्चन है क्या बफर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है क्या? सॉल्यूशन में क्या है? मिक्सचर में CH3COH है और NaOH है, CH3CO नहीं है, ये तो NaOH है, तो क्या बफर सॉल्यूशन है क्या? देखो बफर सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन क्या है, एक एसिड है और एक बेस है, है ना? एक एसिड है CH3COH क्या एसिड और NaOH क्या है बेस। तो यार एसिड और बेस आपस में क्या करते, रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। अगर हम दो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं एसिड और बेस को मिक्स करके, तो ऑब्वियसली वो एसिड और बेस क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहां पर भी एसिड और बेस जो है क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो CH3COH प्लस NaOH विल गिव CH3CONa प्लस H2O, ये रिएक्शन हो जाएगी, है कि नहीं? क्लियर है सबको? एक एसिड है एक बेस है, दोनों का रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है? अच्छा CH3COH कितना है यार? तो 100 ml 0.2 मोलार, 100 ml एंड 0.2 मोलार कितना हो गया? 20 मिलीमोल हुआ क्या? एंड NaOH क्या है? NaOH क्या है? 5 मिलीमोल है, ठीक है? NaOH जो है वो 100 ml है और 0.05 मोलार है, मतलब कितना है? 5 मिलीमोल है।
ठीक है। अब दोनों में से हम देख सकते हैं ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा खत्म हुआ। यहां पर अगर इसका फाइव रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना करेगा, इसका भी फाइव रिएक्ट करेगा तो कितना बचेगा, 15। ये कितना बन जाएगा, ये फाइव बन जाएगा, ये भी फाइव। वाटर के तो कोई मतलब है नहीं। तो अब देखो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या है यार, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में हमारे पास क्या, ध्यान से देखो, CH3COH है एंड CH3CONA है, क्या ये बफर सॉल्यूशन है? यस, ठीक है। तो इनिशियली जो हमें दिया था वो बफर सॉल्यूशन नहीं था, बट एक्चुअली इनिशियली हमें एसिड और बेस दिया था, तो एसिड और बेस तो रिएक्ट करेंगे। तो जब भी एसिड और बेस दिया जाए तो हमें पहले रिएक्शन कराना है। एसिड और बेस जब जब क्वेश्चन में दिया जाएगा पहले हम रिएक्शन ही कराएंगे, क्योंकि एसिड और बेस तो आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन होने के बाद देखो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या है। तो रिएक्शन होने के बाद हम देखते हैं कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में एक तो वीक एसिड और एक उसी वीक एसिड का सॉल्ट है। तो ये क्या है, ये तो एसिडिक बफर है ना यार, है या नहीं है? ठीक है, सो दिस इज एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर है तो पीएच क्या आएगा, पीएच इज इक्वल टू पीके। पीके कितना बताया यार हमने, 4.74 प्लस लॉग ऑफ। अब देखो हमने क्या बोला कि हम डायरेक्ट मोल्स का रेशियो भी ले सकते हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट क्या है, 5, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड है हमारे पास 15। तो ये क्या आ गया, दिस इज 4.74 प्लस लॉग ऑफ 1/3, हम बोल सकते हैं 4.74 माइनस लॉग 3, दैट इज 4.74 माइनस 0.48। तो कितना आ गया ये, 4.26 आ गया शायद। क्लियर है क्या सबको, आया? ठीक है, देखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। डिटरमाइन पीएच ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 0.2 molar CH3COH and 0.05 molar
CH3CO whole twice BA. Obviously pKa वही लेना है कितना 4.74. आया क्या आंसर? तो देखो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. ये हम बोलते हैं इन जनरल ये फॉर्मूला है, बट हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखना. क्योंकि ये जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था तो हमने CH3CO नेगेटिव को सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लिया था, ठीक है. तो इसकी बजाय मोर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला जो है वो एक्चुअली कौन सा है, ये सॉल्ट और एसिड कॉन्सेंट्रेशन की बजाय आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, ठीक है. मतलब यहां पर बोलेंगे कि क्योंकि हमने जो केस लिया था उस केस में क्या था, जो सॉल्ट है वो एक ही आयन दे रहा था, बट इस केस में ऐसा नहीं है. ओके, जनरली तुम्हें ऐसा ही सॉल्ट दिया जाएगा कि सॉल्ट एक ही आयन दे रहा होगा, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वहां पर वो फॉर्मूला जो है रॉन्ग आंसर दे देगा. तो मोर अप्रोप्रिएट इज दिस वन. इसी को हमने सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन बोला था ना, बट अभी ये जो कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज नॉट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं? क्योंकि ये जो एक है कितने आयन देगा, दो आयन देगा. क्लियर है क्या? तो यहां पर सी एच थ्री सी एच कॉन्सेंट्रेशन कितना यार, इट इज 0.2, बट सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहां पर, कितना है? ये देखो, एक सी एच थ्री सी एच होल ट्वाइस बी ए, दो सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव देता है. तो सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.05 का 2 times. समझाया क्या? ठीक है, सो दिस इज 0.1 बोला. ओके, सो मोर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला इज दिस वन. ठीक है, पी एच इज इक्वल टू पी के
दैट इज 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड को अभी CH3CO नेगेटिव अपॉन CH3CO एसिड बोल रहे हैं तो दिस इज 0.1 डिवाइड बाय 0.2 ठीक है सो ये आ गया 4.74 प्लस लॉग ऑफ 1/2 हम बोल सकते हैं 4.74 माइनस लॉग 2 दैट इज 4.74 माइनस 0.3 या 4.44 क्लियर है सबको ठीक है लिखो फिर आगे चलते हो गया सबका ठीक है सो दिस वाज एसिडिक बफर नेक्स्ट चलते हैं अभी बेसिक बफर पर तो एसिडिक बफर क्या था यार एसिडिक बफर जो है ये वीक एसिड और उसके सॉल्ट का मिक्सचर था वीक एसिड और उसका सॉल्ट है ना स्ट्रॉन्ग बेस वाला बेसिक बफर जो है वो वीक बेस और उसके सॉल्ट का मिक्सचर होगा तो इट इज मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड ठीक है तो अगर एग्जांपल देखें तो जैसे NH4OH वीक बेस है और इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट इसी स्ट्रॉन्ग बेस का सॉरी इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट NH4Cl ठीक है सो NH4OH वीक बेस है और इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट ही हो गया तो इन दोनों का जो मिक्सचर है दिस इज बेसिक बफर Similarly, NH4OH and NH4 hold twice SO4. या फिर NH3, अच्छा NH3 और NH4OH एक ही बात होता है वैसे NH3 and NH4Cl. ठीक है तो ये हमारे पास बेसिक बफर के एग्जाम्पल हो अब हम यहां पर भी फर्स्ट वाला केस लेके pH निकालते हैं क्या होगा तो यार फर्स्ट वाला जो बफर है इसमें वीक बेस है तो वो पार्शली आयनाइज हो रहा है कुछ इस टाइप से ठीक है एंड NH4Cl जो है फुली सॉल्युबल सॉल्ट है तो वो पूरी तरह आयनाइज है इस टाइप से तो अब यहां पर NH4OH का क्या होगा KB होगा ना सो दैट KB इज NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH negative concentration upon NH4 OH concentration. So OH negative concentration क्या है इधर से? It is KB into NH4 OH concentration divided by NH4 positive concentration. तो pOH क्या आएगा? pOH हो जाएगा इसका minus log.
माइनस लॉग ऑफ के बी इंटू एन एच फोर ओ एच कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई एन एच फोर पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ के बी एंड माइनस लॉग ऑफ एन एच फोर ओ एच कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई एन एच फोर पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, सो माइनस लॉग के बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी के बी. सो पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी एंड ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो लॉग ऑफ एन एच फोर पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई एन एच फोर ओ एच कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो ये हमारे पास पी ओ एच का एक फॉर्मूला आ गया. और लास्ट टाइम की तरह इसको भी हम सॉल्ट वगैरह के टर्म्स में लिखेंगे. तो लिखो पहले, तो दिस इज पी ओ एच का फॉर्मूला. ऑब्वियसली पी ओ एच से पी एच आ जाएगा. तो देखो अभी यहाँ पर
लास्ट टाइम की तरह देखो, NH4 पॉजिटिव जो है वो दोनों रिएक्शन से आ रहा है ना, लेकिन वीक बेस तो बहुत कम आयनाइज हुआ है ना, वीक बेस वैसे ही बहुत कम आयनाइज होता है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्ट यहाँ पर NH4 पॉजिटिव आ गया, और ये NH4 पॉजिटिव की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड गया है ना, क्योंकि कॉमन आयन आ गया, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आयनेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो जो NH4 पॉजिटिव फर्स्ट रिएक्शन से बहुत कम आ रहा है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी NH4 पॉजिटिव हम किससे बोल सकते हैं, सेकेंड रिएक्शन से आएगा, क्लियर है? और सेकेंड रिएक्शन से कितना NH4 पॉजिटिव आएगा, जितना NH4Cl है, ये हम बोल सकते हैं सॉल्ट है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पर हम NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? सो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय, अब नीचे क्या है, NH4OH है, तो NH4OH क्या है, बेस है ना, तो बेस का कितना कॉन्सेंट्रेशन लेंगे आप, जितना इनिशियली था उतना ही लेंगे, क्योंकि इससे बहुत कम रिएक्ट हुआ होगा, ठीक है? तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है? हाँ, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि यार सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो आयन कॉन्सेंट्रेशन उसको सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है ना सॉल्ट और आयन के केस में, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग होता है, हम बोलते हैं कि सॉल्ट अगर एक से ज्यादा आयन देता तो ये नहीं होता, जैसे NH4 होल ट्वाइस SO4 के केस में ये केस नहीं आएगा, ओके? तो NH4 होल ट्वाइस SO4 के केस में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, सॉल्ट वाला नहीं करना है, है ना, आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस कॉन्सेंट्रेशन, ओके? तो वैसे जनरली उस टाइप के सॉल्ट तुम्हें नहीं देंगे, बट अगर दिया तो तुम्हें फिर आयन लेना है, देन POH इज इक्वल टू PKB प्लस लास्ट टाइम की तरह मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस बोल सकता हूँ, क्लियर है क्या? क्योंकि जो बफर सॉल्यूशन है उसी सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्ट भी है और बेस भी है, ठीक है? तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम ही है ना, चाहे सॉल्ट की बात करें या बेस की, तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है वो मोल्स का रेशियो ही रहेगा, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पर बफर एक्शन की, तो यार ये जो फॉर्मूले आए, देखो लास्ट टाइम जैसे फॉर्मूले आ गए है ना, लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम हमारे पास pH था, pH की जगह यहाँ पर POH है, लास्ट टाइम इधर PKa था, अभी क्या है, PKB है, लास्ट टाइम लॉग के अंदर सॉल्ट बाय एसिड था, भी सॉल्ट बाय बेस है ना, तो कंपेयर करके याद रख सकते हो, ओके? सो ये POH का फॉर्मूला है, POH से pH निकाल ही सकते हो, ठीक है? अब हम बात करते हैं बफर एक्शन की, तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, ठीक है, अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दे, अब देखो अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो किससे रिएक्ट करेगा भाई, सॉल्यूशन में अगर बेस प्रेजेंट है तो उससे रिएक्ट कर लेगा। अब सॉल्यूशन हमारे पास मेनली दो सब्सटेंस है, एक तो NH4OH है और दूसरा क्या है, NH4 पॉजिटिव है ना, यही दो सब्सटेंस है मेनली। NH4OH क्या है, बेस, एंड NH4 पॉजिटिव क्या है, एसिड है कि नहीं, ठीक है? तो NH4OH बेस है, NH4 पॉजिटिव जो है वो एसिड है, ठीक है? तो अब जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं तो अगर सॉल्यूशन में कोई बेस प्रेजेंट है तो उससे ये एसिड क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो सॉल्यूशन में हमारे पास बेस कौन है भाई, NH4OH है ना, तो NH4OH से ये रिएक्ट कर लेगा, एंड यहां पर आ जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस H2O। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कोई बता सकता है? देखो रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, तो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH है, तो इसका क्या हो गया, 1/KH,
एंड यहाँ पर जो के एच होता था वो के डब्ल्यू अपॉन के बी होता था, इस केस में जो के एच था वो क्या था, के डब्ल्यू अपॉन के बी, तो वन बाई के एच क्या हो गया, के बी अपॉन के डब्ल्यू। तो वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे, के बी का वैल्यू 10^-5 के अराउंड है यहाँ पर भी, और ये 10^-19, तो ये 10^+9 के अराउंड आ गया पूरा वैल्यू, जो कि काफी बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा, और रिएक्शन कंप्लीट होगा तो अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यूज हो जाएगा सारा। ठीक है, तो यूज्ड कंप्लीटली, ठीक है, हम बोल सकते हैं नो इफेक्ट ऑन पीएच। समझाया गया सबको? ठीक है, तो इस टाइप से बेसिक बफर जो है उसमें जब हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं तो पीएच चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किए वो तो तुरंत ही खत्म होगा, तुरंत यूज हो गया, वो सॉल्यूशन में बचा ही नहीं रहा है ना। अगर वो सॉल्यूशन में बचा रहता तो फिर वो पीएच को कम कर देता स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन सॉल्यूशन में वो बचा नहीं है तो वो पीएच को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस एसिड, और
आ रही है क्या? ओके ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि यार इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ओ एच नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब बेस किससे रिएक्ट करेगा? बेस एसिड से रिएक्ट करेगा। अब सॉल्यूशन में एसिड कौन है यार? एलएसएन पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो इससे रिएक्ट कर लेगा तो हमारे पास क्या रिएक्शन आएगी यार? सो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स NH4OH। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है यार? देखो रिवर्स रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो KB है, है ना? NH4OH गिव्स NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, KB है ना, तो इसका क्या? इसका हुआ 1 बाय KB। अब KB की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो 1 बाय KB क्या हो गया? बड़ा वैल्यू हो गया ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये रिएक्शन भी क्या होगी? कंप्लीट होगी। एंड ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आया क्या सबको यार? ठीक है, सो ये हो गया बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। ठीक है, तो चलो लिख लो ये, इसके बाद ब्रेक है, आफ्टर ब्रेक कंटिन्यू करते हैं। Determine pH of solution formed by mixing हंड्रेड एम एल 0.5 molar एनएच फोर ओ एच एंड 100 ml 0.1 molar एच सी एल PKB of NH4OH जो है ये 4.74, सेम वही होता है जो PK of CH3COOH था। Thank you.
तो देखो यहाँ पर बफर सॉल्यूशन नहीं है, जो दिया है वो बफर सॉल्यूशन नहीं है, एक बेस है एक एसिड है। लेकिन मैंने बताया जब जब एसिड और बेस दिया हो हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर पहले रिएक्शन कराएंगे, तो ये रिएक्शन होगा, अब रिएक्शन होने के बाद देखो क्या बचा, ये हमारे पास 50 मिलीमोल है और ये कितना HCl, ये 10 मिलीमोल है। तो यार ये लिमिटिंग है ना पूरा खत्म हो जाएगा, ये 50 में से 10 जब रिएक्ट करेगा तो कितना बचेगा 40, और ये 10 बनेगा, ये भी 10 बनेगा। तो देखो इनिशियली बफर नहीं था, बट रिएक्शन होने के बाद बफर आ रहा है, बिकॉज NH4OH है और NH4Cl है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, मतलब 4.74 प्लस लॉग ऑफ 1/4 को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस लॉग 4 है ना, तो 4.74 माइनस 2 लॉग 2 दैट इज 4.74 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.3, सो ये आ गया 4.74 माइनस 0.6 या 4.14। तो ये POH आया है, pH क्या होगा यार, pH हो जाएगा 14 माइनस, ठीक है, सो दिस इज 9.86। क्लियर है क्या?
हो गया सबका, चले आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.2 molar NH3 एंड 100 ml ऑफ 0.4 molar NH4Cl। ये चल इसको 50 ले लेते हैं, 50 ml ऑफ 0.4 molar NH4Cl। तो pH निकालो क्या होगा, ऑब्वियसली pK भी वही लेना लास्ट टाइम वाला। It's
आया क्या आंसर? आंसर आया? तो देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा मिक्स करने पर वो बफर सॉल्यूशन ही बनेगा, बिकॉज एक बेस है और एक क्या होगा उसका बेस का सॉल्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक जनरली कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं? जब मैं बोलता हूँ यार pOH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये मिस्टेक जनरली कर सकते हैं। यार ये जो कॉन्सेंट्रेशन हमें लेना है ना, वो बफर सॉल्यूशन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेना है। तो क्या कॉन्सेंट्रेशन यही रहेगा? क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या यही रहेगा? क्या चेंज होगा? चेंज होगा ना, ठीक है। तो या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ले लो, जो कि कैसे ले सकते हो तुम, वो आ सकता है ऑब्वियसली रिजल्टेंट सॉल्यूशन में मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम करके, या फिर डायरेक्टली तुम नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ले लो, बिकॉज वो चेंज नहीं होगा। वो चाहे बिफोर मिक्सिंग या आफ्टर मिक्सिंग अगर तुम देखते हो तो NH3 और NH4Cl के मोल्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मोल्स का रेशियो ले लो, बेटर वही रहेगा। तो ये कितने मोल्स हो गए यार? दिस इज 20 मिलीमोल ना, और ये वाले में कितने हैं? ये वाले भी 20 मिलीमोल। समझ आया क्या? ठीक है, तो दोनों के 20-20 मिलीमोल्स हैं, तो 20/20 आएगा, एंड pOH हमारे पास ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 4.74। तो pH क्या आ जाएगा? pH आ जाएगा 14 - 4.74, दैट इज 9.26। क्लियर है क्या? ठीक है। या फिर दूसरा क्या बता रहे थे हम? दूसरा बता रहे थे कि यार कॉन्सेंट्रेशन ले लो, है ना। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज कितना हो गया भाई? वॉल्यूम 150 ना, तो ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? उसका भी यही होगा। समझ आया नहीं आया यार? क्लियर है क्या सबको ये? ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बना है वो बफर बना है। बिफोर मिक्सिंग बफर नहीं है, मिक्स करने के बाद बफर बना है, है ना। तो मिक्स करने के बाद बफर बना है, तो उसी सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन लेंगे ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी लेंगे मिक्स करने से पहले, जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन वो थोड़ी लेनी हमें। बफर सॉल्यूशन में सॉल्ट और बेस का क्या कॉन्सेंट्रेशन है वो लेना है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। क्लियर है क्या सबको? सर हाँ बोलो सर, NH3 की रिएक्शन के साथ निकालें। NH3 की रिएक्शन, NH3 इज नथिंग बट NH4OH, ओके। NH3 प्लस H2O इज NH4OH। क्लियर है? NH3 मतलब NH4OH ही है। Thank you.
चले आ गए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले बफर पर। तो नेक्स्ट है सॉल्ट बफर। तो सॉल्ट बफर जो है ये क्या होता है यार, तो इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है सॉल्ट बफर। जैसे CH3CONH4 हो गया मान लो, या फिर HCONH4 का सॉल्यूशन हो गया, या फिर NH4CN का हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है ये बफर का काम करेंगे। अब ये बफर का काम करते क्यों है यार इस टाइप के, तो वो भी देख लेते हैं। तो बफर एक्शन, तो देखो जैसे मान लो हमने फर्स्ट वाला ले लिया, यहां पर CH3CONH4 विल गिव CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट वाला सॉल्ट मान लो हमने लिया। अब देखो हमें पता है किसका काम करता है, ये बेस का काम करता है और ये एसिड का करता है कि नहीं, है ना। तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड तो एसिड जो है वो किससे रिएक्ट कर लेगा, बेस से। अब सॉल्यूशन में दो आयन है, अब इनमें से ये आयन क्या है, बेस है ना यार, तो इससे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एड कर रिएक्ट कर लेगा और बन जाएगा CH3COH। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है यार, 1/k है ना, मतलब बड़ा वैल्यू है, तो रिएक्शन हो जाएगी और लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा। समझ आया क्या? Yes. ठीक है, और अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस एड करेंगे तो वो एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिड कौन है, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस
इज एडेड. तो बेस रिएक्ट करेगा किससे? एसिड से. एसिड कौन है? NH4 पॉजिटिव. तो रिएक्शन हो जाएगा NH4OH, ये बन जाएगा ना. सो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? 1/kb है. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू काफी बड़ी है, मतलब रिएक्शन यहां पर भी क्या होगा? कंप्लीट होगा. तो रिएक्शन कंप्लीट होगा तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है OH नेगेटिव या बेस, वो खत्म हो जाएगा. समझ आएगा सबको यार? क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये तीन टाइप के हमारे पास बफर है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड सॉल्ट बफर. अच्छा, ये इसका पीएच क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? पीएच क्या होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का? पीएच लास्ट लेक्चर में बताया ना हमने, 7+(½PK-PKV) याद आया? ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्ट का पीएच हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं. वैसे मेनली दो ही बफर को कंसीडर करते हैं, इसको उतना हम लेते नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं देते इसको, बट ये भी एक बफर है, मतलब ये वाला सॉल्यूशन जो है ये भी बफर का काम करता है. हो गया सबका? ठीक है, सो ये हमारे पास हो गए बफर सॉल्यूशंस.
अब देखो हमने क्या बताया कि यार पीएच जो है वो बफर सॉल्यूशन का चेंज नहीं होता है ना। अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो पीएच और बफर सॉल्यूशन क्या है, चेंज नहीं होता है। बट एक्चुअली थोड़ा सा चेंज होता है, स्लाइट वैल्यू से ये क्या होता है, चेंज होता है। ओके तो बहुत स्लाइट वैल्यू से ये चेंज होता है। तो इसके लिए यहां पर एक टर्म भी यूज की जाती है, ठीक है। तो बहुत स्लाइट वैल्यू से चेंज होगा, तो यार अगर मुझे पीएच को 1 से चेंज करना है, ओके बफर सॉल्यूशन का अगर पीएच 1 से चेंज करना है तो फिर कितना एसिड और बेस ऐड करना पड़ेगा। हमने बताया कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता, स्लाइट चेंज होता। लेकिन अगर मुझे पीएच को 1 से चेंज करना है तो फिर कितना एसिड और बेस ऐड करना पड़ेगा, यही होता है बफर कैपेसिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बफर कैपेसिटी। तो क्या है ये, तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 liter ऑफ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या आएगा बफर कैपेसिटी का, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 liter ऑफ बफर सॉल्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। तो ये हमारे पास बफर कैपेसिटी का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ओके इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, बफर कैपेसिटी निकाल लेंगे। ओके तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पेज नंबर 117 एंड क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 117 क्वेश्चन नंबर 12। हो गया सबका, yes.
क्वेश्चन सॉल्व किया, आ गया आंसर ना? तो देखो क्या है, हमने यहां पर कितना ऐड किया है, 0.1 मोल एसिड ऐड किया इन 2 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, है ना? तो 1 लीटर में कितना ऐड करेंगे, 0.1 डिवाइड बाय 2 ना, डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, कितना बताया यार, पीएच डिक्रीजेस बाय 0.5, तो कितना आया ये, दिस इज 0.05 अपॉन 0.5 ना, 0.1, क्लियर है क्या? ओके ये तो ऑप्शन में नहीं दिया शायद, दिया है क्या? हाँ दिया है, ठीक है। सो दिस इज बफर कैपेसिटी, ओके। अब देखो बफर कैपेसिटी जो है, अगर किसी सॉल्यूशन का ज्यादा है तो अच्छा बफर है या खराब बफर, किसी सॉल्यूशन का बफर मतलब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक का बफर कैपेसिटी कम है, एक का बफर कैपेसिटी ज्यादा है, तो कौन सा वाला अच्छा बफर है? अच्छा बफर का मतलब क्या है कि पीएच चेंज नहीं होना चाहिए, है ना? पीएच चेंज होने में क्या होनी चाहिए, डिफिकल्टी होनी चाहिए, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि पीएच चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा मोल्स ऐड करने पड़ने चाहिए, है ना? पीएच चेंज करने के लिए अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड है तो अच्छा बफर है कि नहीं है वो? तो फिर बफर कैपेसिटी क्या है, ज्यादा हुई कि नहीं हुई, है ना? अगर मुझे पीएच को 1 से चेंज करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो रिक्वायर्ड हो बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना? पीएच को 1 से चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लगना चाहिए, तब वो अच्छा बफर है। तो ये कब होगा, जब बफर कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ आया सबको? ठीक है, तो ग्रेटर द बफर कैपेसिटी ग्रेटर इज बफर स्ट्रेंथ, ठीक है। बफर कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या आएगा, बफर स्ट्रेंथ आएगा, क्लियर है? इसके अलावा ये जो बफर कैपेसिटी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बफर कैपेसिटी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस इज सेम, ठीक है। जब कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो हमारे पास मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होगी। इसका मतलब क्या है, दैट इज फॉर एसिडिक बफर एसिडिक बफर के लिए क्या होना चाहिए, एसिड कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेंट्रेशन, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एसिड और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो वहां पर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है हम बोल सकते हैं, और पीएच इज इक्वल टू पीके। जब एसिड और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो पीएच क्या होगा, पीके होगा, ठीक है। तो जब सॉल्ट और एसिड कॉन्सेंट्रेशन सेम है हम बोल सकते हैं पीएच इज इक्वल टू पीके है, तो एसिडिक बफर का मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होगा, मतलब वहां पर अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो पीएच चेंज होने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी। समझाई नहीं आया? ठीक है, एंड फॉर बेसिक बफर क्या होना चाहिए,
तो बेसिक बफर में भी हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, मतलब बेस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू वहां पर क्या हो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि पीओएच जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पीकेवी के इक्वल। क्लियर है क्या? ठीक है। तो अच्छा बफर कब होता है, जब हमारे पास मतलब सबसे अच्छा बफर कब होगा, जब कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सेम हो। क्लियर है क्या? हो गया सबका? ठीक है। सो ये हमारे पास था बफर सॉल्यूशन वाला पार्ट। अब हम नेक्स्ट लेंगे यहां पर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। तो यार तुम लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, ब्यूरेट पिपेट लेके किए हैं क्या, जब कलर चेंज होता है मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन के, किए हैं? नहीं किए प्रैक्टिकल्स? अच्छा ठीक है। सो इंडिकेटर जो है एक्चुअली ये क्या है, ये वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं। और यहां पर क्या होता है, ये जो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक एसिड या बेस होंगे तो इनका हमारे पास अनआयनाइज्ड फॉर्म भी होगा और आयनाइज्ड फॉर्म भी होगा, मतलब पूरी तरह आयनाइज्ड है नहीं, है ना। तो इनका क्या होता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म का डिफरेंट कलर होता है एंड आयनाइज्ड फॉर्म का डिफरेंट कलर होता है। ठीक है। सो इंडिकेटर्स आर
वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस दे हैव डिफरेंट कलर इन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म. ठीक है, तो इनका जो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म है उनका अलग अलग कलर होता है. जैसे मैं कोई एसिडिक इंडिकेटर लेता हूं, मान लो एच आई एन कोई एसिडिक इंडिकेटर है, आई एन फॉर इंडिकेटर और एसिड है, दैट्स व्हाई एच पॉजिटिव निकलेगा. तो ये H पॉजिटिव प्लस आई एन नेगेटिव देगा. अब एच आई एन जो है ये इसका अनआयनाइज फॉर्म हो गया, और आई एन नेगेटिव जो है ये आयनाइज फॉर्म हो गया. ठीक है, इसको ऑब्वियसली हम एसिडिक फॉर्म भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एसिड है और आई एन नेगेटिव इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, तो इसको बेसिक फॉर्म भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो इन दोनों का जो कलर है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. क्लियर है क्या? हो गया सबका? Yes. तो फॉर एग्जाम्पल लिटमस कंटेन्स एजोलिटमिक एसिड विच इज रेड इन अनआयनाइज्ड फॉर्म एंड ब्लू इन आयोनाइज्ड फॉर्म. ठीक है, सो हमारे पास एजोलिटमिक मतलब लिटमस जो है उसमें क्या होता है, एजोलिटमिक एसिड होता है, और एजोलिटमिक एसिड जो है ये रेड होता है अनआयनाइज्ड फॉर्म में और ब्लू होता है आयोनाइज्ड फॉर्म में. ठीक है, तो जैसे एच आई एन गिव्स एच पॉजिटिव प्लस आई एन नेगेटिव. तो अब इसका अनआयनाइज्ड फॉर्म यही वाला है ना. ठीक है, और ये वाला आयोनाइज्ड फॉर्म है. तो अनआयनाइज्ड फॉर्म हमने क्या बताया कैसा होता है कलर वाइज, रेड, और आयनाइज्ड फॉर्म क्या होता है, ब्लू. क्लियर है क्या? ठीक है, और जैसा हमने बताया इट इज एजोलिटमिक एसिड, मतलब एसिडिक एसिडिक इंडिकेटर है. ठीक है, अब देखो अगर हम इसको एजोलिटमिक एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन में डालें
अब एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है यार, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एच पॉजिटिव ज्यादा होगा कि नहीं होगा, है ना? अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें एच पॉजिटिव ज्यादा होगा। तो अभी लीच एट क्लियर प्रिंसिपल से देखो क्या होना चाहिए, बताओ। एच पॉजिटिव ज्यादा है तो प्रोडक्ट एक तरह से हमने बढ़ा दिया ना, है ना, प्रोडक्ट एक तरह से बढ़ा दिया, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? ये हम बोल सकते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ एच पॉजिटिव आ रहा है एक तरह से, है ना। हमारे पास एसिड से भी बहुत सारा एच पॉजिटिव आएगा, बाकी इससे भी एच पॉजिटिव आ रहा है, तो ये जो रिएक्शन है क्या चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो आईएन नेगेटिव से क्या बनेगा, एच आई एन। ये हम बोल सकते हैं कि ब्लू कलर किसमें चेंज होगा, रेड में। समझाया कि नहीं आया सबको यार? समझाया ना? ठीक है, तो इन एसिडिक सॉल्यूशन दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन and color is changed from blue to red. क्लियर है सबको ये? अच्छा, ये तो हुआ एसिडिक का। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा यार? बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास OH नेगेटिव ज्यादा होगा ना। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, OH नेगेटिव ज्यादा होगा। अगर OH नेगेटिव ज्यादा है तो OH नेगेटिव क्या करेगा यार, इस रिएक्शन में जो H पॉजिटिव निकल रहा है उसे रिएक्ट कर लेगा क्या, कर लेगा क्या? इस रिएक्शन में जो H पॉजिटिव निकल रहा है इससे बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव ज्यादा है तो इस H पॉजिटिव को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, या हम बोल सकते हैं इस H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी ना। समझाया सबको? क्लियर है? तो बेसिक सॉल्यूशन में ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव है और वो H पॉजिटिव से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब कम होता है तो रिएक्शन क्या जाती है, फॉरवर्ड जाती है। ठीक है, सो बेसिक सॉल्यूशन में रिएक्शन फॉरवर्ड होगी और कलर कहां से कहां चेंज होगा यार, रेड टू ब्लू। समझ आया क्या? ठीक है, तो इन बेसिक सॉल्यूशन अबाउ रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कलर इज चेंज्ड फ्रॉम, किससे किसमें चेंज होगा यार, रेड टू ब्लू। ठीक है, कलर जो है रेड से किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ आया? अच्छा, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ तो क्या होगा यार, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ तो क्या होगा, कलरलेस। क्या बोल रहे हो, लो लो कलर चेंज। हाँ, तो अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ तो उसमें रेड एंड ब्लू का क्या दिखाई देगा,
मिक्सचर दिखाई देगा, क्योंकि रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, तो हमारे पास रेड भी अवेलेबल होगा और ब्लू भी अवेलेबल होगा। तो रेड और ब्लू का मिक्सचर क्या होता है यार, वॉयलेट होता है क्या, वॉयलेट पर्पल, एक ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना, वॉयलेट और पर्पल अलग अलग है क्या, सेम ही रहता है ना, लड़कियों को वैसे ज्यादा पता होगा, वो एक एक कलर में भी 10 शेड बता देते हैं ना, ठीक है चलो। सो इन न्यूट्रल सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू कलर इज ऑप्टेड, क्लियर है, जो कि क्या बताया तुम लोगों ने, पर्पल बताया, वॉयलेट बताया, पर्पल पता नहीं, ठीक है चलो जो भी, ओके सो लिखो ये, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका, हो गया सबका, चले आगे, ठीक है। अब देखो हर इंडिकेटर का कुछ पीएच रेंज होता है, ठीक है, तो वो पीएच रेंज देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट सेटिंग डालो, पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, तो यार अब देखो दोनों का हमारे पास कुछ कलर है, आयनाइज्ड फॉर्म का कुछ अलग कलर है और अनआयनाइज्ड फॉर्म का कुछ अलग कलर है, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्म में से हमें कौन सा कलर दिखाई देगा यार, अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है, दो कलर का मिक्सचर है, तो उस कलर, दोनों कलर के मिक्सचर में से कौन सा पर्टिकुलर कलर हमें दिखाई देगा, ऑब्वियसली जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो उसकी चांस ज्यादा है दिखने के, है ना, मतलब वो डोमिनेट कर सकता है। तो हमारी आंखें जनरली मतलब ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर कलर को तब देख पाएंगी इन मिक्सचर ऑफ कलर, जब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है या उसका जो अमाउंट है वो दूसरे का क्या हो, एटलीस्ट 10 times हो, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कलर हमें दिखाई देगा। तो इसके बेसिस पर हम यहां पर पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर की बात करते हैं। तो ह्यूमन आईज कैन ऑब्जर्व पर्टिकुलर कलर इन ए मिक्सचर ऑफ कलर
इफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज एट लीस्ट 10 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर कलर, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये दूसरे कलर के कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो, 10 टाइम्स हो, तो हमें ये दिखाई देगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे यूज करना है। तो हमारे पास जैसे एच आई एन को एसिडिक इंडिकेटर हमने ले लिया, गिव्स एच पॉजिटिव प्लस आई एन नेगेटिव, तो इसका के जो है उसको ऑब्वियसली मैं बोल दूंगा के आई एन, तो दिस इज एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू आई एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आया, तो इट इज के आई एन इंटू एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन आई एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो पी एच क्या हो जाएगा, pH is equal to minus log of KIN into HIN concentration upon IN negative concentration, या फिर minus log of KIN is equal to minus log of HIN concentration upon IN negative concentration. तो minus log KIN is PKIN. Okay, so pH is equal to PKIN, minus अंदर गया तो ये plus हो गया, so log of IN negative concentration upon HIN concentration. तो ये हमारे पास एक pH का formula आ रहा है, ठीक है। And अब हम यहाँ पर बताएंगे कि किस pH range में कौन सा color दिखाई देगा, ठीक है, किस pH में कौन सा color दिखाई देगा। तो पहले लिखो ये, फिर आगे चलते हैं। ये formula वैसा ही है जैसा किसमें आया था, एसिडिक बफर में आया था फॉर्मूला, है ना, ऑलमोस्ट वैसा ही है ना। Thank you.
हो गया सबका ठीक है। सो यार अभी उतना टाइम है नहीं, आई थिंक कर नहीं पाएंगे वो। सो ठीक है, तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम बताएंगे कि पीएच जो है पीएच वाला रेंज में हमें पर्टिकुलर कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो होमवर्क में ग्रुप पे सेंड करता हूँ। ठीक है, चलो जाइए।